हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार गाइस, अपने साइकिल का ये जो क्रैंक सेट है फ्रंट वाला, ये जो आया था साइकिल के साथ वो टेढ़ा था, तो मैंने कंपनी में कंप्लेन किया तो उन्होंने नया भेज दिया। और वैसे पुराना वाला क्रैंक सेट वो ले नहीं गए हैं, नया आया तो मैंने खुद से इंस्टॉल किया है। तो आइए देखते हैं कैसे इंस्टॉल किया, बहुत दिक्कत हुआ। ये है मेरा टूल और इधर वाला ये आराम से इधर फिट हो जाता है, देख सकते हो। बट उधर वाला खुलने में दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। ट्राई अगेन। फाइनली यार गाइस, हमने ये दोनों साइड के जो स्क्रू होते हैं वो हमने खोल दिया है। और ये अपना क्रैंक सेट देख सकते हो आप, कितना टेढ़ा है, ऐसे ही दिख रहा है। और तो नया वाला फिट करने के लिए हमें सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। गाइस यार, इससे पहले मैंने कोई भी साइकिल को रिपेयर नहीं किया है, तो ये कैसे निकलता है ये मुझे नहीं पता है। तो मेरे पास वैसे एक टूल दिमाग में आ रहा है, तो चलिए उस टूल को पहले लाते हैं जो कि उस घर के अंदर बंद है। तो यार गाइस, उसको खोलने के लिए मैंने ये वाला टूल लाया है। ये इससे अक्सर क्या किया जाता है कि पंखे का वायरिंग निकाला जाता है, बट आज हम इसका यूज़ इसमें करने वाले हैं। नहीं होगा इस वाले टूल की मदद से, ये नहीं होगा। तो अब इस हथौड़े का यूज करते हैं, ये लोहे की हथौड़ी नहीं है तो मेरे साइकिल को टूटने का चांस तो नहीं है। तो यार गाइस, कुछ इस तरह हमने अपने क्रैंक सेट को बदला, काफ़ी दिक्कत हुआ, लेकिन अब तो ये जो है अच्छे से आगे वाला गियर शिफ्टिंग हो जा रहा है। बट यार, पिछली व्हील खोलने की वजह से यार पता नहीं क्या, जब मैं यहाँ पे देखो 1 के गियर में शिफ्ट किया हूँ, लेकिन ये अपने आप यहाँ पे 2 पे शिफ्ट हो जा रहा है। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो गई। अब बात करके देखते हैं राइडर वीके से, और इसको ठीक करना है अभी। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़ेदार चल रहा है। अगर और यार एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी अर्बन ट्रेंड कंपनी वालों की, कि इसके कोई भी पार्ट्स ख़राब होते हैं तो उन्होंने जो वारंटी और या गारंटी दिया है उस पर वो लोग 100% वर्क कर रहे हैं, उनकी टीम वर्क कर रही है। क्योंकि 4-5 दिन में मेरा क्रैंक सेट मैंने कंप्लेन किया और आ गया न्यू, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यानी कि ये साइकिल लेना बहुत ही सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी सब ईमानों के सब चीज़ हैं। तो और यार गाइस, आप लोग को बस यही कहूँगा कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गिव अवे वाली वीडियो ज़रूर देख लो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।